नमस्कार दोस्तों, तो नथिंग फोन वन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका लॉन्च किया जाएगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर और इसका लॉन्च डेट निकल के आ चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम बात करते हैं और जानते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में भी। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों नथिंग फोन वन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका लॉन्च किया जाएगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर और लॉन्च डेट वगैरह निकल के आ चुका है। अगर हम बात करें फर्स्ट लुक का, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो नथिंग फोन वन है, ये फोन देखने में काफी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो इस फोन का जो फ्रंट लुक है वो काफी अच्छा है, काफी कम बजट रखा गया है और देखने को मिलता है सेंटर टीनी पंच होल, आप यहाँ पर देख पा रहे, मतलब फ्रंट साइड से ये फोन काफी अच्छे लेवल का है। और बैक साइड से देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिजाइन। हालांकि इसका जो फ्रेम है वह एल्युमिनियम का है और ये फोन देखने में ओवरऑल काफी अच्छा लगता है, आप यहाँ पर देख पा रहे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नथिंग फोन वन का फर्स्ट लुक और डिजाइन के बारे में जान लिया। ये फोन लुक एंड डिजाइन वाइज काफी अच्छा है। उसका इसमें आपको देखने को मिलेगा नथिंग का ओएस और यहाँ पर जो नथिंग का लॉन्चर है ये अवेलेबल हो चुका है प्ले स्टोर पर, आप डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर जो नथिंग का ओएस या फिर लॉन्चर है ये काफी अच्छे लेवल का होने वाला है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो नथिंग का वॉलपेपर है ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर जो फॉन्ट रखा गया है नथिंग फोन वन का वो है डॉटेड फॉन्ट, जिसके वजह से यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है इस फोन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन का, इस फोन का स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छा होगा। विशेषकर यहाँ पर जो ओएस है उसको काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर या फिर लैग वगैरह देने को नहीं मिलेगा इस ओएस के अंदर। तो यहाँ पर जो नथिंग फोन वन है इसमें आपको देने को मिलेगा 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है और 360 का टच रेट भी दिया जाएगा। और ये डिस्प्ले आता है 10 बिट पर जो कि HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, मतलब डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी अच्छा खासा होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें कैमरा सेटअप का, तो यहाँ पर जो नथिंग फोन वन है इसमें आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ से ट्रिपल कैमरा, जहाँ पर 15 हर्ट्ज का मेन कैमरा होने वाला है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया जाएगा। और फ्रंट में होगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि आएगा टीनी पंच होल के साथ, आप यहां पर देख पा रहे। तो कैमरा या फिर डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन काफी नॉर्मल टाइप का है, लेकिन इस फोन में आपको जो आउटपुट है वो काफी अच्छे लेवल का मिलेगा, बस इसी बात को ध्यान में रखा गया है। उसके बाद इस फोन में देने को मिलेगा 45 mAh का बैटरी। अगर हम बात करें प्रोसेसर का, तो यहाँ पर प्रोसेसर को लेकर कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लीक के मुताबिक पता चल रहा है कि इस फोन में देने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 778G, जबकि कुछ ऐसे भी लीक है जहां से पता चल रहा है कि देने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8th Gen 1। तो ज्यादा चांस मुझे लग रहा है स्नैपड्रैगन 778G का ही। और इस फोन में देने को मिलेगा LPDDR5X का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप और इसका जो पहला वेरियंट है वो होने वाला है 8128 का। तो फोन का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो काफी अच्छे लेवल का है। वैसे नथिंग फोन वन लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर 21 जून को और इस फोन के प्राइसिंग के बारे में जो जानकारी निकल के आया है उस हिसाब से अगर हम बात करें, इस फोन का प्राइसिंग होने वाला है 25,000। बिकॉज ये फोन अगर आता है 778G पर तब इसका प्राइसिंग 25 के ही होने वाला है, बाद बाकी में इसका प्राइसिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। तो आपने यहाँ पर नथिंग फोन वन के बारे में जान लिया की ये फोन लॉन्च होने वाला है 21 जून को और इसका जो भी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन या फिर प्राइसिंग है इसके बारे में भी जान लिया। तो बस आज की वीडियो में बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके बहुत धन्यवाद।